असलामकुम मां ज़ायत हयर न आई वेलकम ऑल ऑफ यू अच्छा जीअं त पाण हिन हफ़्ते में टॉपिक्स की कवर कयासीं जी आई एस सेटेलाइट जी पी एस एंड रिमोट सेंसिंग त पोइ इन टॉपिक्स मां जेके मोस्ट रिपीटेड कोश्चन्स आया आहिनि या जेके मोस्ट इम्पोटेंट कोश्चन्स आहिनि उहे मां कुझु कढिया तव्हां लाइ फ़िफ्टी जे अराउंड अबाउट त जीअं कुझु दोस्तनि खे वरी थोरी मुश्किलात थी आहे त इहे फिफ्टी क्वेशन वटि अची वञनि त हुनजे ऑब्जेक्टिव जेको पॉइंट ऑफ व्यू सां पेपर ईंदो उहो तमामु थी ऐं इन खां पोइ तव्हां कंहिं बुक्स पढ़ण जी ज़रूरत बि न पवंदी छो त जेके बि मेन इम्पोटेंट टॉपिक्स इन्हनि मां इन मेन इम्पोटेंट टॉपिक्स मां मेन इम्पोटेंट क्वेशन्स आहिनि उहे सो मां मूं कढिया जो अच्छा त पाण हिनखे के स्टार्ट कयूं था इहो ख़्याल में लेंथी न थी वञे क्लास इन में जल्दी कयूं छो त फिफ्टी जे फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर जे राउंड अबाउट अच्छा ज ई एस जस स्टैंड फॉर हम हाँ, जी पा पढ़ी आया जस जो मतलब शुभ हुआ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिसटम उन सैकेंड से अचे तो जस कैप्चर एनलाइजिस वो टाइप ऑफ डेटा कड़े टाइप ऑफ डेटा जो कैप्चर एनालाइज कह स्पेटियल एंड जियोग्राफिक डेटा ये पा पढ़ी आया ठीक है स्पेट्रियल एंड जियोग्राफिक डेटा उनको पहुंचे तो जी ई एस एप्लीकेशन्स आर कड़े किस्म के जो टूल्स इन उनके ये हूँ इन में वो तक कंप्यूटर सके तो मशीनरी दई तो मोबाइल सके तो, तो, तो जी ई एस एप्लीकेशन कंप्यूटर टूल्स होंगे ठीक है उनको जी ई एस टूल्स अलाउ द यूजर टू तो परफॉर्म वुच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कहिड़ा कहिड़ा टास्स जेको आहे सो परफॉम करण लाइ तव्हांखे जे ई एस जेको टूल्स उहे अलाओ कंदा आहिनि क्रिएट रिसर्च सर्चिस स्टोर डेटा या एडिट डेटा की डेटा खे तव्हां एडिट कयो डेटा खे तव्हां स्टोर कयो या डेटा खे तव्हां क्रिएट सर्चिस कयो त तव्हां ॿियूं नयूं सर्चिस जेको आहे उनखे क्रिएट कयो या तव्हां का डेटा आहे तव्हां हुनखे स्टोर करे सघो था या डेटा खे तव्हां एडिट करे सघो था त हिननि टिनि जेके आहिनि इहे टास्क जेके आहिनि इहे करण तव्हांखे इजाज़त दे तो जी आई एस टूल्स सो ठीक है उन्होंने बहुत बच्चे आप दॉलोइंग इज अ ब्रांच आप दी स्टडी ऑफ जी आई में कॉन्सैप्ट मैं जी जी स्टडी करना लाइक कड़ी उन्होंने ब्रांच आ तो ये तो जाहिर सी इंडस्ट्री की गाल जी आई ही होंगी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम उन जी आई एस रिप्रेजेंट अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ लोकेशन ऑन यूजिंग तक जीई एस रिप्रेजेंट कर दिया अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ लोकेशन वो यूज कर रीप्रेजेंट की इंडेक्स वेरिएबल यूज कर रिप्रेजेंट कर दिया उनको रीप्रेजेंट अ रिप्रेजेंट लोकेशन इन डैश डायमेंशनल कोऑर्डिनेट केतर डामेंशनल कोऑर्डिनेट में जी एस जो पेंजी या लोकशन रिप्रेजेंट करी है तो वो थ्री डायमेंशन में ये पा पढ़ी भी आयासी जो तक एग्जांपल लग समझा भी हो तो पी वन की लोकशन आ पी टू की लोकशन है पी थ्री की लोकशन वह एल की लोकशन का केतरा तो वो थ्री डायमेंशनल होंद्ठ जस रिप्रेजेंट लोकेशन इन थ्री डायमेंशनल उन कॉर्डिनेट्स उनके एस रिप्रेजेंट एक्स कॉर्डीनेट इन डायरेक्शन हा टेक इन डायमेंशन वो कड़ा कड़ा एक्स आ वाय आन जी आी एक्स जो वो कॉर्डीनेट कॉरिजेंटल में ठीक है वाय जको वो कॉर्डीनेट कॉरी वाय जो कॉर्डीनेट कर्टिकल में ए एच फॉर हॉरिजेंटल वी फॉर वर्टिकल एंड एंडो जी आए कॉर्डीनेट केंगिशियल में ठीक है जी जो को आ सो वो रिप्रेजेंट केंगिेंशियल में सही है उन खां पोइ वीचार थी फॉलोइंग पैरामीटर्स यूज़िंग जी एस आर को रिलेटेड टू रीप्रेसेंट इन अर्थ फिज़िकल लोकेशन त कहिड़ा पैरामीटर्स आहिनि जेके यूज़ कंदो आहे जी एस को रिलेट करे ठीकु आहे जेके अर्थ जी, जी लोकेशन आहे फिज़िकल लोकेशन आहे उनखे को रिलेट करण लाइ कहिड़ा ला पैरामीटर्स जेको आहे जी एस यूस कंदो आहे लोकेशन कंदो आहे स्पिडियल टैम्पोरल कंदो आहे या एक्सटेंट रेफरेंस कंदो आहे हाणे हीउ जेको क्वेशन आहे हिन पाण ओहिड़ो डिटेल में पढ़ी आहियूं मूंखे नथो लॻे त हिन जो कोश्चन जो जवाबु ॾियण जी तव्हांखे ज़रूरत पए थो पर वो पान जवाब दूंगा तो ये आल आफ दैम पा खबर लोकेशन भी पा कौं स्पेटिकल टैंपोरल भी पान के पा जो सो पैरामीटर्स भी एक्सटेंड रेफरेंस भी पींदा सही है हाँ जी क्वाइंट बाय यो अगे बुधा चुको आं रोगर टॉमिल्सन ने के जो सो कदें किया नाइनटीन सिक्सटी एट में किया फादर ऑफ जी एस ज़ाहरी ाल ये हों छो तोइंट फादर ये होंद आ टी आर टी मतलब रॉगर टोमलसन ठीक है उनको बाद दी प्रोग्राम यूज इन दी डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजीज इज़ हाँ कड़ा प्रोग्राम यूज किया डिजिटलाइजे टेक्नोलॉजी में तो वो कैड किया के ठीक जी एस पी तक खबर है जी एस पी चो आ सी एंड जावा जो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज ठीक है ऐं कैट जो मतिलबु छा आहे कैट कैट जी जेकॾहिं फुल फार्म पाण ॾिसूं इहो तव्हां हिते लिखी छॾूं था जीअं तव्हांखे अॻिते हली कमु अचे किथे बि सघे थो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ठीकु आहे कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन डिज़ाइन सही है उन प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग सैटेलाइट इमेज इज कॉल्ड आको प्रोसेस आ जैमें तुम सैटेलाइट इमेज तैप्चर उन प्रोसेस आर्थो फोटो चब आर्थो फोटोग्राफ चब या आर्थो इमेज चब के ट्री चो सही है आर्थो फोटो भी आर्थो फोटोग्राफ भी आर्थो इमेज भी चीज था ठीक है याद रख प्रोसेस जो कैप्चर कह सैटेलाइट इमेज के उन प्रोसेस के साथ आर्थो फोटो चबो आर्थो फोटोग्राफ या आर्थो इमेज उन आर्थो रेक्टिफाइड इमेजरी कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम वुच ऑफ द फॉलोइंग हाँ आर्थो जो इमेजरी कलेक्ट जो डेटा कहो क्या वो यूए वी में वो ठीक है हेलीकैड्स में वो एयरक्राफ्ट वा इन टही है हाँ इतने अचे तो यूए वी यूए वी होंदेन्ड एरियल व्हीकल्स होंगे ता हों तो ये मुख्तलिफ़ वहीकल जिस शक्ल होंदान पर ये ऑटोमेटिक व्हीकल्स होंद्य ये जो एग्जांपल समझो जी मून से जी लैंडिंग थी वो व्हीकल्स उत घूमे पे यूएवी हुई ये जी मार्स हुई ठीक है इनक चू ए वी चबा है अनमेंड एरियल व्हीकल्स व्हीकल माना गाडी सही है उन <coughs> डज यू ए वी हैज़ पायलट न इन में बिल्कुल पायलट ना हों है ऑटोमेटिक ये होंगी उन कंपोनेंट्स मेजर इन यू ए वी यू ए वी में मेजर कंपोनट्स उतरन टाइप्स जहा हूँ या उनमें घा सो ये कंपोनट्स होंगे तो उनमें टे कम्पोनट्स होंगे ठीक है विच ऑफ दी फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नेचर सैलेलट हाँ नेचर सैटेलट कड़ा कड़ा फॉलोइंग एग्जांपल जिनको मैं डिटेल में पढ़िया मून स्टार प्लैनेट्स सजा जो ये नेचरल सैलेाइट्स हमें विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ जी ई एस ऑपरेशन हाँ जी ई एस ऑपरेशन कही है जो डेटा है जि प्रोसेसिंग या ग्लोबल प्रोसेसिंग आता ई एस जपरेशन है वह कड़ी है जियो प्रोसेसिंग सही है उनको पॉट इज द फंक्शन ऑफ जियो पोसेसिंग हाँ जियो पोसेसिंग फंक्शन उत डिफरेंट जो और दई सके तो ठीक है मेनीप्लेट डेटा मेनीप्लेट डिजिटल डेटा मेनप्लेट स्पेडियल डेटा तो इन जवाब मेनीप्लेट स्पीडियल डेटा सही है उनको सैटेलाइट कम्युनिकेशन हैज अ नंबर ऑफ कंपोनेंट तो जी सैटेलाइट कम्युनिकेशन ठीक है उनमें कितने नंबर सो ये थी ना ने? कंपोनेंट्स कंपोनट्स बि नंबर ज्ञान चे नंबर ज्ञान पंबर जहाँ मुख्तु जो जो को राइट आंसर है वो है सेटेट कम्युनिकेशन में बिन्न नंबर जो कंपोनट्स हूँ उनको वो चार फॉलोइंग आरती सैटेलाइटी